हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज का सरप्राइज टेस्ट लेके मैं आप सबके सामने मुखातिब हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो लोग ये वीडियो शायद पहली बार देख रहे हों, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग रोज़ जो है उस दिन का, उस डेट का जो है न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं, एक्सेप्ट संडे। ठीक है, उस न्यूज़पेपर जो हम डिस्कस करते हैं डिड यू नोटिस सीरीज़ में, उसमें मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ जिन पे आप जो न्यूज़ में जो रहते हैं टॉपिक्स, और जो उस दिन के न्यूज़पेपर में आए होते हैं, और आप लोगों को उस पे रिसर्च करके और न्यूज़पेपर पढ़ के अपने नोट्स बनाने होते हैं। बेसिकली ये आपको एम्पावर करने के लिए मेरी तरफ से एक हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज है। और पिछले दिन के जो न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देता हूँ मैं आप लोगों को, जो दिए होते हैं उन पे जो है उसके अगले दिन जो है सरप्राइज टेस्ट होता है, जिसमें से मैं 5 क्वेश्चंस देता हूँ विद सॉल्यूशंस डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो इससे आपको क्या होता है कि आपको अपनी जो है आप नोट्स कितने अच्छे बना रहे हैं वो बेंचमार्क करने में आपकी जो है सहायता हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, क्योंकि मैं हर एक के नोट्स जा कर तो नहीं देख सकता कि कौन कैसा बना रहा है, तो इसलिए जो टेस्ट करने का तरीका है वो यही होता है कि क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक है, और वो क्वेश्चन अगर आपसे हो रहे हैं उसमें से 3 या 4 मार्क्स आ रहे हैं तो इट्स वेरी गुड। ठीक है, अगर कम आ रहे हैं तो थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लो, घबराने की कोई बात नहीं है, अभी 1 साल पूरा है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन पे। पहली स्टेटमेंट है, द नगोया प्रोटोकॉल वॉज अडॉप्टेड इन 2010 एट द 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, और सेकेंड स्टेटमेंट है, द सेक्रेटेरिएट ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज बेस्ड इन मॉन्ट्रियल। इसे मॉन्ट्रियल भी बोलते हैं, मॉन्ट्रियल भी बोलते हैं फ्रेंच में, और मॉन्ट्रियल भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, जो आपको लगे अच्छा वो आप प्रोनाउंस कर लो, वीडियो कर लो, पॉज और आंसर्स आराम से सोचो। देखो, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं। देखो, जो सेक्रेटेरिएट है जो वो है मॉन्ट्रियल कैनेडा में। ठीक है, और ये जो सेक्रेटेरिएट है ना, इट वर्क्स जो ये जो हमारा कन्वेंशन है, इट वर्क्स अंडर द UNEP। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और जो COP है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो फर्स्ट स्टेटमेंट 10th COP मैंने लिखा है, ये 10th वाली तो हुई थी जापान में। ठीक है, तो नगोया जो है जापान में एक जगह का नाम है, प्रिफेक्चर है वहां। ठीक है, तो COP इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, और COP के मेंबर्स कौन कौन होते हैं, वो सारे कंट्रीज जिन्होंने जो है इस ट्रीटी को जो है रेटिफाई किया है। ठीक है, वो सारे कंट्रीज जो हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के मेंबर होते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है इस कन्वेंशन CBD की जो है वो गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच रिवर फ्लोज नियर सतकोसिया टाइगर रिजर्व। ऑप्शंस को देख लो, इसका आंसर है महानदी। बहुत ही फैक्चुअल सवाल है। इसके साथ साथ एक और चीज़ बता दूं, जो ये सतकोसिया टाइगर रिजर्व है ये मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट वाला एरिया, मॉइस्ट डेसीडियस है। ठीक है, याद रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। पहला है, इंडिया स्ट्रांगली अपोजेज ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। दूसरा है, ईरान होप्स टू कीप द पोर्ट ऑफ चाबहार एज अ मेजर हब मेनली फॉर ट्रेड विद रशिया एंड यूरोप। ये आराम से सोचना, खासकर सेकंड स्टेटमेंट। इसका आंसर 1 ओनली है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्यों गलत है अब बताता हूँ। देखो, पहला तो है कि हाँ, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका जो है इंडिया स्ट्रांगली अपोज क्यों करता है, क्योंकि ईरान जो है सबको ऐसा लगता था कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन भी बना रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन जो है बनाने, वो जो ईरान जो कर रहा है, दैट कैन पोज डेंजर टू एंटायर वेस्ट एशियन रीजन। ठीक है, फिर दूसरी बात यह होती है कि जो ईरान है उसके खिलाफ IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उसमें भी इंडिया ने वोट किया था ईरान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के अगेंस्ट। ठीक है, दूसरी बात आती है अपना, ईरान होप्स टू कीप द पोर्ट ऑफ चाबहार। ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट सही है एक्सेप्ट द पार्ट चाबहार। ठीक है, चाबहार भी ईरान में है, लेकिन चाबहार जो है ना, चाबहार ईरान रखना चाहता है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में एक्सेस के लिए, और जो रशिया और यूरोप में एक्सेस के लिए वो है बंदर अब्बास पोर्ट।
ठीक है, बंदर क्या होता है, बंदर जो है, बंदर जैसे बंदरगाह बोलते हैं ना हम, तो वो पोर्ट को बोला जाता है। तो जो बंदर अब्बास पोर्ट है, इसका निकनेम भी इसे बोलते हैं, द क्रैब पोर्ट बोलते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कई बार एसएससी में हो सकता है पूछ लें, या कहीं और एग्जाम में, इवन यूपीएससी में भी किसी फॉर्म में आ सकता है। और ये जो बंदर अब्बास पोर्ट है, ये जो ईरान का जो प्रोविंस है होर्मुज़गान, ठीक है, होर्मुज़गान जो है, होर्मुज़गान प्रोविंस में है बंदर अब्बास पोर्ट, और बंदर अब्बास पोर्ट है फॉर ट्रेड विद रशिया एंड यूरोप। और ईरान ने जो चाबहार किया है, चाबहार किया है फॉर ट्रेड विद सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान, ठीक है। जो ये बंदर अब्बास है, ये भी ईरान का है और वो भी ईरान का है चाबहार, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कौन सा किस किन किन कंट्रीज के ट्रेड के लिए पोर्ट है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर में पहली स्टेटमेंट है, यूएसए वोटेड इन फेवर ऑफ अ यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन कंडेमनिंग द न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण। दूसरा है, यूएसए इज ईगर टू सप्लाई टू इंडिया S-400 एयरक्राफ्ट्स। देखो इसका आंसर है वन ओनली, ठीक है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, ठीक है, उस टाइम यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें इंडिया के इन टेस्ट को कंडेम किया गया था, और यूएसए ने उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था, उसके फेवर में किया था, यूएसए अगेंस्ट था इंडिया के इन टेस्ट के। और दूसरी जो चीज़ है, यूएसए इज ईगर टू सप्लाई टू इंडिया S-400 एयरक्राफ्ट, बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। यूएसए नहीं, रशिया है, रशिया इज ईगर टू सप्लाई टू इंडिया S-400 एयरक्राफ्ट। और कहते हैं कि जो इंडिया और यूएसए में 2+2 जो है मीटिंग होने वाली थी, बायलेटरल मीटिंग होने वाली थी, जिसमें 2+2 मतलब कि दोनों साइडों से जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाले, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और जो है डिफेंस मिनिस्टर, दोनों साइडों के, ठीक है, वो मिलके डिस्कस करने वाले थे। तो वो अभी जो यूएसए है वो बार बार स्थगित कर रहा है उस चीज़ को। और मज़े की बात यह है कि वो बोलते हैं कि ये शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम है, और पर ऐसा है कि वो शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम जो वो बहाना कर रहे हैं वो इसलिए थोड़े रोचक तथ्य बन जाता है क्योंकि वो डेट भी खुद ही बताते हैं, वो डेट खुद ही बताएंगे और फिर बोलेंगे जी नहीं ये कैंसिल करनी पड़ेगी, ये शेड्यूलिंग जो की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और अब मैं पॉइंट पे आते हैं, जो सेकंड चीज़ है, जो ये S-400 एयरक्राफ्ट जो रशिया हमें दे रहा है, तो यूएसए जो है वो चाह रहा है कि इंडिया रशिया से ये एयरक्राफ्ट ना ले, इसीलिए जो यूएसए है ना लोग कह रहे हैं कि वो जो 2+2 वाला जो स्थगित कर रहे हैं ये मीटिंग, तो ये शायद इसीलिए भी है कि यूएसए रोष जताना चाहता है इस बात का कि इंडिया जो है S-400 एयरक्राफ्ट क्यों ले रहा है। और ये हैंड ट्विस्टिंग भी है, ठीक है। अब इसको पिछले क्वेश्चन से भी लिंक करता हूँ, जो हैंड ट्विस्टिंग किस हिसाब से है कि एक तो इंडिया को यूएस बार बार बोल रहा है कि ईरान पे हमने सैंक्शंस लगाई हैं, तो इंडिया ईरान से तेल ना ले, और इसीलिए भी कि इंडिया रशिया के ज़्यादा क्लोज जा रहा है S-400 एयरक्राफ्ट से, तो जो है S-400 एयरक्राफ्ट भी जो हैं वो इंडिया रशिया से नहीं ले, बल्कि उनका जो वर्जन है वो यूएसए से ले। और बेसिकली जो है ये एक हैंड ट्विस्टिंग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ दीज प्लेसेस हैज स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स इन इंडिया, ठीक है, ए विशाखापट्टनम, बी पदुर, सी मैंगलोर और डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। देखो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स क्या होता है, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स वो होते हैं कि जैसे कुछ प्लेसेस में आप देखेंगे कि पदुर में या विशाखापट्टनम में या मैंगलोर में कि केव्स होंगी, ठीक है, अंडरग्राउंड केव्स होंगी, वहां पे तेल जो है ना रिजर्व में रखा जाएगा ताकि इन केस इंडिया को बाहर से अगर तेल ना मिल पाया तो हमारी इकोनॉमी खड़ ना जाए, ठीक है। हो सकता है ईरान में, जैसे अब ईरान और यूएस का थोड़ा 36 का आंकड़ा हो रहा है और सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं ईरान पे भी, तो वेस्ट एशिया में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए या इंडिया पे ही बाकी सब कुछ ऐसे सैंक्शंस लगा ले, वैसा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडिया पे कोई सैंक्शन ऐसे लगा ही नहीं सकते, सबके सब तो बिल्कुल ही नहीं लगा सकते क्योंकि इंडिया अब एक इमर्जिंग पावर है। लेकिन इन केस किसी भी तरह से जो हमारी ऑयल सप्लाईज अगर खत्म हो जाए बाहर से जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो सारा देश रुक ना जाए, इसीलिए जो है उसकी अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल खत्म ना हो जाए, इसीलिए जो है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व रखने जरूरी हैं, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो है वो अंडरग्राउंड रखे जाएंगे, स्टोर किए जाएंगे, ठीक है। तो कहां कहां पर है, कुछ देखो, एक है विशाखापट्टनम में, ठीक है,
अब विशाखापट्टनम के बारे में आपको बता दूं, विशाखापट्टनम जो है इट्स कॉल्ड द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। और हाँ, कंफ्यूज मत होना, अगर विशाखापट्टनम की जगह वाइजैग लिखा जाए, वी आई जेड ए जी लिखा हो, तो वो सेम ही है, विशाखापट्टनम और वाइजैग, ठीक है। और यहाँ जो पदूर है, जो पदूर एरिया है ना, देखो पदूर दो जगह पे है, एक केरला में भी है, एक कर्नाटका में भी है, ठीक है। तो ये कर्नाटका वाले पदूर एरिया की बात हो रही है, और मैंगलोर तो आप जानते ही हैं कि कर्नाटका एरिया में है। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स जो हैं वो वहाँ इंडिया रखने की कोशिश कर रहा है, और ज़्यादा ऐड करने की कोशिश कर रहा है। पहले राजस्थान में भी सोच रहे थे कि बीकानेर के आसपास करेंगे, ठीक है, तो पर अभी पता नहीं, वहाँ अभी उसका नाम नहीं आया रिसेंटली। तो इस जिन जिनका नाम है, तो जो बिल्कुल श्योर हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं कि जहाँ पे ये हैं। बाकी जो है, आप लोग अपने कमेंट्स में कमेंट्स में जो है अपना स्कोर डालते रहिए, और कैसे इम्प्रूव करना है, और मैं क्या इम्प्रूव करने के लिए कर सकता हूँ, आप वो भी बताइए, जो आपको हेल्प चाहिए, ठीक है। लेकिन आप प्लीज़ वो मत हो जाना कि इरेगुलर नहीं होना। आप देख, मैं देख रहा हूँ कि दो लोग जो है बहुत ही रेगुलर है, बहुत ही रेगुलर है, एक है मिस मैथिली कनन और दूसरे हैं मिस्टर विहुराज, बहुत ही रेगुलर हैं, ठीक है। तो आपको भी उनकी तरह बनना है, बिल्कुल रेगुलरली डालो। और एक और प्रोफाइल है, लेजेंड MS धोनी, मैं उनका नाम नहीं जानता कौन है, लेकिन ये प्रोफाइल लेजेंड MS धोनी नाम से है, वो भी रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी जो है रेगुलरली पोस्ट करना है, और रेगुलर टेस्ट सॉल्व करना है, ठीक है। और बिल्कुल जेन्युइन स्कोर्स बताने हैं, कोई बात नहीं, कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू दोस्तों।